मोठ की मस्जिद या मस्जिद मोठ, जिसका वस्तुत अर्थ दाल मस्जिद है। इस मस्जिद को वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाया था, जो सुल्तान सिकंदर लोदी के शासन काल में प्रधानमंत्री थे। यहां के विस्तृत क्षेत्र में दाल की खेती से हुई आय द्वारा इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मोठ की मस्जिद पड़ा। दाल के बीज प्रधानमंत्री को सुल्तान सिकंदर लोदी ने प्रदान किए थे। इस मस्जिद की नींव स्वयं सिकंदर लोदी ने रखी थी और कहा जाता है कि ये मस्जिद मियां भोइया की निजी मस्जिद थी। ये मस्जिद अपनी भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। लाल पत्थरों से बनी इस मस्जिद में जालीदार नक्काशी वाली खिड़कियां, अष्टकोणीय स्मारक, एक छोटा अर्धवृत्ताकार गोवंद, खुले मेहराब एवं दो मंजिला बुर्ज है। फूलों की अद्भुत एवं जटिल नक्काशियां सुंदर दृश्य उपस्थित करती हैं। दिल्ली के अधिकतर ऐतिहासिक इस्लामिक इमारतें लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अन्य पारंपरिक मस्जिदों की तरह इसमें कोई भी मीनारें, सजावटी सुलेखन या अलंकरण नहीं है। इस मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विश्व पर्यटकों एवं आगंतुकों को आकर्षित करती है। मस्जिद प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुली रहती है एवं इसमें प्रवेश निःशुल्क है। ये थी SM News की रिपोर्ट।